नमस्कार, भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जब कोरोना काल में हम सभी की दिनचर्या लगभग अस्त व्यस्त हो चली है, तो ऐसे में हमारे माननीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी की प्रेरणा से प्रमुख सचिव श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी, निदेशक एवं विशेष सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री शिशिर जी के मार्गदर्शन में हमारी अकादमी एक नवीन पहल के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित है लेकर रंग समागम 2020। इस रंग समागम के माध्यम से वेबिनार के जरिए हम जुड़ते हैं कला जगत की उन विभूतियों के साथ जिन्होंने कला जगत में अपनी एक विशेष पहचान बनाई, एक मुकाम हासिल किया है, एक मानक स्थापित किया है। इसी कड़ी में हमारे आज के जो मेहमान हैं, उन्होंने बहुत सारे संस्कृत नाटकों का निर्देशन अपनी विशिष्ट शैली यानी छाऊ में किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन क्लासिकल ड्रामा के डायरेक्टर श्री भूमिकेश्वर सिंह जी की। नमस्कार सर, भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आपका स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी को। आशा करते हैं सर, इस कोरोना काल में आप और आपका परिवार अपने घर पर स्वस्थ एवं सुरक्षित होगा। हाँ, सभी लोग यहाँ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। 6 महीने से बंद पड़े हैं कलाकार लोग, अभी भी कलाकारों की कोई ड्यूटी अभी चालू नहीं हुई, तो हम आशा करते हैं कि आगे हो सकता शुरू हो जाए। जी सर, उम्मीद है हमको भी यही। शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यही है कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, आपका बचपन कहाँ बीता, उसके बारे में बताएं। मेरा नाम भूमिकेश्वर सिंह है। जैसा आप तृप्ति ने बोला, मेरा जो है एजुकेशन बचपन जो है गांव में करीब 5 क्लास में या 10 साल का रहा होगा, तो मतलब रहा था, तो मेरा 5वीं क्लास तक एकदम गांव में पढ़ा। ठेठ जो है एक स्कूल के अंदर जो है प्राइमरी स्कूल जो बेसिक स्कूल चलते हैं उसमें 5वीं क्लास तक। फिर 5वीं से 6वीं क्लास से मैं गोरखपुर में आ गया। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, आपके शहर के बगल में ही जो है। तो वहाँ करीब 6वीं से लेकर 12वीं तक वहाँ हमारा एजुकेशन जो है एजुकेशन पढ़ाई का एजुकेशन जो है वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद 12 पास करने के बाद फिर मैं इस तरह थिएटर में मतलब 12 में ही आ गया था। 11-12 में ही हम थिएटर का एक जर्नी शुरू हुई थी गोरखपुर से। और गोरखपुर से क्या मतलब गोरखपुर में देखा, उसके बाद हमारा जो जर्नी शुरू हुई वहां से गोरखपुर से, तो गांव में रामलीला होती थी तो रामलीला में भी भाग लेते थे और गोरखपुर में नाटकों में भाग लेते थे। वहाँ जूनियर इंस्टीट्यूट जो है एक रेलवे का जूनियर इंस्टीट्यूट है, तो वहां से हमारी जो है तो थिएटर जर्नी वहां से शुरू हुई। नाटकों को करना और इंस्पिरेशन जो है एक तरह से जो यहाँ आने का जो है थिएटर में आने का जो है सबको यही होता है कि हमें मीडिया में जाना है, फिल्म करना है। तो एक तो उस जमाने में तो फिल्म ही थी, सीरियल तो ऐसा कुछ नहीं था, तो उस तरह का एक रुझान रहा है। उसी की वजह से थिएटर एक जरिया बना, थिएटर के माध्यम से जो सभी एक प्लेटफॉर्म लोग चुनते हैं उसी के माध्यम से मैं हम भी इस फील्ड में इंटर किया। तो बेसिकली जो है बचपन में जो 11-12 में होता है जो देख करके हीरो लोग को देख के इच्छा होती है ना, हमारी बॉडी होनी चाहिए, हमारे सब कुछ जो जो चित्र में दिखाई देता है वो सब होना चाहिए। तो वहां से इंस्पिरेशन लेके वो सब सीखना शुरू किया है। डांस भी आना चाहिए, मार्शल आर्ट भी आना चाहिए, फिजिकल हमारा जो है फिजिक भी अच्छी होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज ये सब और हमें तैरना भी आना चाहिए। बहुत सारी जो फिल्मों में हम लोग एक पहले की जो पीरियड फिल्में बनती थी उस समय जमाने में जो चलता था कमर्शियल फिल्में, जो फाइटिंग का सारा दौर था उस तरह का,
एक्टिंग उस तरह की एक्टिंग नहीं थी, एक्शन प्रधान एक्टिंग थी उस समय। तो उसको देख करके जो है हम लोग का भी जोश कि कहाँ से ये सब चीजें कहाँ से सीखेंगे, कैसे करेंगे, जिससे हम भी हो सकता हम भी पर्दे पर आए, इस तरह का यही एक था मन में था। तो उसको लेके एक सीखने का जो ललक थी गोरखपुर से लेके दिल्ली आई, उससे पहले इसके बीच में बहुत सारी जगह आपके 12 पास करने के बाद यही लगा कि हमें इस लाइन में जाना है, तो कहाँ एडमिशन कहाँ लें। एनएसडी में एक था कि एनएसडी का भी हमें प्रभाव था, कुछ एनएसडी के लोग आते थे वहाँ वर्कशॉप करते थे, हेमंत मिश्रा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, अभी वो नहीं है इस दुनिया में, तो मतलब वो आते थे हमारे उधर के ही है, तो वो वर्कशॉप करते थे उनसे, उनके ही डायरेक्शन में पहली बार हेमंत मिश्रा के डायरेक्शन में हमने नाटक किया था प्रेमचंद का जो नमक का दरोगा। तो वहां से कि हाँ कोई एनएसडी से नाम वहीं से सुना कि एनएसडी नाम की चीज है, हाँ वहां से बीएनए का नाम सुना कि बीएनए भी कोई एक्टिंग का जो है ये सब एक्टिंग सिखाते हैं जहाँ ये सब सारी थिएटर के मतलब चीजें जो एक्टिंग से संबंधित जितने हैं वो सब सिखाई जाती है। तो 12 पास करने के बाद कहाँ जाए, तो बीएनए में पता चला कि वहाँ ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन नहीं था तो अब वहाँ बीएनए नहीं जा सकता था। फिर ये लगा कि कहीं मैं एक वर्कशॉप हुआ था गोरखपुर में, तो हमारे गुरुजी थे वहाँ बनारस से आए थे, तो उनके आधार पर मैं सोचा कि बीएचयू में चले जाए वहाँ डांस सीखे कुछ करें, तो वहाँ भी गए। फिर इस तरह से फिर ये भी था कि अपना जो है नेटवर्क जो रहने का होता था कि कोई घर से बाहर नहीं निकला था आज तक कि कोई बाहर रहने गया हो, तो इसलिए वो एक पिताजी या दादाजी लोग थे तो कहते थे बच्चे को छोड़ देंगे, तो फिर ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, कोई कोई ऐसा आधार होना चाहिए जो जहाँ रह के सीखे या कुछ करे। तो मैं वहां से लखनऊ में भी नहीं था इस तरह से मेरा कोई ऐसा लिंक, बनारस में भी ऐसा लिंक नहीं था कि किसके अंदर। फिर पिताजी ने बोला मतलब गांव के कोई लोग रहते थे यहाँ दिल्ली में रहते थे, तो ये हुआ कि दिल्ली चले जाए वहीं रहे उनके पास वो, तो फिर मैं दिल्ली आया। तो एक साल भटकने के बाद 87 में पास आउट हुआ, 88 में भटका इधर उधर गया कि कहाँ कैसे किस तरह से, हाँ 88 में आया एक महीने के लिए, फिर 89 फिर चला गया, बीमार पड़ गया, फिर घर वाले भी कहते थे कि कि उनको मुंह जो है बच्चे का जो होता पहला, मैं ही ऐसा बच्चा था तो परिवार में मैं एक लड़का था और इस तरह से कि उनका मुंह हमेशा सताता था, तो फिर बुला लिया। फिर एक महीने उधर फिर पिताजी को समझाया ऐसे तो नहीं हो सकता, ऐसे चल नहीं सकता, कैसे मुझे सीखना है कुछ करना है तो मुझे रहना तो पड़ेगा। फिर इस तरह से फिर गोरखपुर से फिर एक साल के बाद फिर आया, मैं 89 में आया गोरखपुर से दिल्ली आ गया फिर रहने के लिए 89 में। फिर 89 में जब आ गया ऐसे मार्च अप्रैल का महीना होली का समय था, होली के दिन निकला था ऐसे करके, तो 89 से दिल्ली में आया। फिर यहाँ सीखने का एनएसडी में जो मिश्रा जी से बात हुई थी, तो एनएसडी में कि एनएसडी में एडमिशन होगा तो तुम ट्राई करो देखो हो सकता है एनएसडी में, तो उस समय 12 था तो एनएसडी में 12 था। जैसे ही मैं पहुंचा 12 से ग्रेजुएशन कर दिया, अब और वो एक और पंगा पड़ा कि फिर से ग्रेजुएशन लो करना है तब जाके एनएसडी में ज्वाइन कर सकते हो। और 89-90 में शायद जीरो ईयर भी हो गया था उस समय जब आया था, तो कुछ हड़ताल हुआ था एनएसडी में, फिर सोचा श्रीराम सेंटर में ज्वाइन कर। श्रीराम सेंटर में जब आया था तो इतना एक्सपीरियंस नहीं था वहां भी कि मैं श्रीराम सेंटर एक्टिंग कोर्स में एक बार अप्लाई किया तो नहीं हुआ। तो फिर 89-90 में जाके जब थोड़ा मेहनत करके थिएटर वहाँ थिएटर नहीं किया एक तरह से, पहले से ही डांस और मार्शल आर्ट और सब फिजिकल चीजें मेरे अंदर बहुत थी, तो उसका जो है
एक प्रभाव था, तो उसके सहारे और थिएटर वहां जाके डांस भी सीखता था, कथक सीखा था गोरखपुर में, करीब 6-8 महीने साल भर सीखा था। तो उसका आधार पर एक उसका एक्सपीरियंस था। तो हमने दिल्ली में जा करके एक नाट्यवल्लय सेंटर है, नाम सुना होगा तुमने, नाट्यवल्लय सेंटर मैंने ज्वाइन किया एज ए डांसर के रूप में, मतलब वहाँ डांस सीखेंगे। और छऊ वहाँ मिला, वहां जाके मैं छऊ सीखना शुरू किया, छऊ भी क्लासेज होती थी। तो वहां से छऊ जो है छऊ मिला वहां से, अब बोला किसी लड़के ने, दोस्त लोग थे मंडी हाउस में जब जैसे ही तो बोले कि थिएटर में जो है छऊ बहुत यूज करते हैं लोग, हाँ जानकारी होनी चाहिए, मार्शल आर्ट से संबंधित है। तो मार्शल आर्ट ताइक्वांडो सीखा था 3 साल तक। तो मैं दिल्ली आया तो दिल्ली में ताइक्वांडो के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ता था दिल्ली में, क्योंकि बहुत दूर दूर सारे सेंटर। तो मैं सोचा क्या करें, हाँ एक तो सुबह सुबह क्लासेज होती है तो जाना कैसे होगा। तो मैंने सोचा मुझे आरकेपुरम जाना, मैं रहता हूँ सहादरा, तो इतना से सुबह जाऊंगा कैसे जाऊंगा समझ नहीं आता। बस भी नहीं उस समय, 5 बजे मुझे सेंटर पहुंचना, कोई सुविधा नहीं, बस भी 5 बजे तो चलती नहीं है। तो फिर ये हुआ कि चलो जब हमें छऊ सीखने में बेसिक जो है छऊ जो मार्शल आर्ट सीखा था छऊ सीखना शुरू किया, तो हम कहे जब मार्शल आर्ट इसके अंदर भी है तो फिर उसको जो जरूरत था वो तो सीखा ही था। फिर हमने डांस को छऊ को अपना लिया और छऊ और थिएटर इस तरह से 1991 में, फिर जाके 90 में जो है किरण सेंटर एक्टिंग कोर्स में एडमिशन हो गया। छऊ भी सीखा था करीब साल भर, तो उसके थ्रू हमें एक डायरेक्टर जो है वो लोग जानने लगे थे धीरे धीरे। तो फिर वो उन्होंने एडमिशन ले लिया और मैंने 9 महीने का कोर्स एक्टिंग कोर्स किया। उसी दौरान छऊ भी एक डांस का पहले ही कीड़ा लगा हुआ था कि डांस सीखना है, कथक सीखा, कथक केंद्र दिल्ली में कथक केंद्र था तो कथक यहाँ आके भी प्रैक्टिस करता था, वहां के गुरु के सारे यहाँ आया, यहाँ से जो है यहाँ कथक सीखा थोड़ा करीब साल भर कथक सीखा। फिर जो है छऊ भी जहाँ बैले करता था नाट्यवल्लय सेंटर में, वहाँ छऊ भी चलता था, कथक भी चलता था, भरतनाट्यम भी चलता था, तो सारे बैले में सारे यूज होते थे, तो वहाँ सारी चीजें मिलती थी, छऊ तो था ही बेसिक। तो बैले में रामलीला कृष्ण लीला बचपन में भी, जैसे गांव में जब रामलीला जब हम लोग गांव में शुरू हुआ था तो हम लोग थे तो वहां भी रामलीला से ही शुरू किया था। हमें अपना कैरियर जो है थिएटर का एक तरह से जो चलता था बचपन में, चोरी चोरी पिताजी और इन लोग नहीं घर वाले नहीं वो करते थे, हमारे घर के सामने ही एक मंदिर था देवी का, वहाँ रामलीला शुरू हुई थी। 2-3 साल तक रामलीला में भी पार्ट भाग लिया था। तो वो हाँ इतनी सारी विभिन्न शैलियां सीखी आपने, तो उसमें से छाऊ का ही चुनाव क्यों किया, क्या ऐसी विशिष्ट बात लगी जिसने आपको आकर्षित किया और आप छाऊ में ही स्पेशलाइजेशन किया, और कितना समय लगा छाऊ में आपको ट्रेंड होने में? ट्रेंड होने में असल में बेसिक जो है मेरा बॉडी जो है बॉडी तो खुली हुई थी, मार्शल आर्ट जब करता था तो बॉडी ओपन थी, मार्शल आर्ट में बॉडी फ्लेक्सिबल तो मतलब स्टिफ होती है, फ्लेक्सिबल डांस और दोनों में क्या डांस जो है वो सॉफ्ट है, मार्शल आर्ट जो है जो वैसा आर्ट फॉर्म है वो हार्ड है, तो बॉडी तो खुली हुई थी तो वो उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ फिर हमारा जो बेसिक यही था कि हमें थिएटर करना था, एक्टिंग करना था, हमें मार्शल आर्ट या वो लड़ने वाला फाइटर नहीं बनना था, इसीलिए मैं ज्यादा इंटरेस्ट जो है मैं उसकी तरफ आ गया थिएटर में जब आया, और डांस भी जरूरी था डांस सीखना कि तो मुझे डांस करना है। तो ये छऊ जो है छऊ में जब करते करते ये लगा कि नहीं मुझे ज्यादा सीखना, बहुत सारी चीजें अब जब इसके अंदर जब घुसा तो बहुत सारी चीजें इतना डिटेल, इतना सारी चीजें, इतने सारे मूवमेंट हैं, इतने सारे ट्रेडिशनल को देखना शुरू किया। जब डांस के अंदर आया तो उसके ट्रेडिशन को आइटम, डांस आइटम होते हैं अलग अलग आइटम, तो मेरा इच्छा हुई कि नहीं ये जैसे बेसिक करते हैं तो बेसिक तो ठीक है, वो बॉडी के लिए खोलना सब सारी चाली उपली ये सब तो है,
लेकिन अगर मुझे डांसर बनना है, एज ए डांसर और ज्यादा सीखना है, अगर मुझे चाली उपली या जो भी उसके अंदर बेसिक मिल जाता है और उससे तो नहीं काम चलेगा, तो मैंने दो तीन साल उसी दौरान 91 में जब मैं पास किया सिद्धांत सेंटर से, तो मैं स्कॉलरशिप मुझे मिल गई थी साहित्य कला परिषद से जी दिल्ली के, तो वहां से 2 साल के लिए छोड़ का। तो मुझे लगा कि नहीं, अब जब इसमें इतना इंटरेस्ट, इतना सारी चीजें हैं, इसको भी करना चाहिए। हाँ, डांस भी जब स्कॉलरशिप मिल गई तो हमने कहा चलो मुझे डांसर भी बनना है, डांस करना है। हाँ, इससे कोई वो नहीं है, एक्टिंग तो है ही, हम एक्टिंग कर ही रहे हैं, डांस में भी एक्टिंग है। तो ये जो है वो ललक। फिर मैं 91 में ही मैं चला गया उड़ीसा। उड़ीसा मतलब झारखंड में, जहाँ के आर्ट फॉर्म है सरायकला चहू, मैं सीखता था चहू। तीन स्टाइल के हैं, सरायकला, पुरुलिया और मयूरभंज स्टाइल, तीन स्टाइल हैं जो उड़ीसा, बिहार, बंगाल में था, अभी झारखंड में हो गया। टाटा नगर के पास है सरायकला, वहाँ जाके मैं, वहाँ पहले फेस्टिवल में जाता था, उनका एक साल में चैत्र पर्व होता है, उस फेस्टिवल में 2 बार मैंने मतलब ऐसे ही गया था देखने। तो वहाँ एक मेला लगता है चैत्र में जो होता है, वो लास्ट चैत्र में बैसाख शुरू होने से पहले जो है वो मेला लगता है। तो रात रात भर डांस होते हैं, अलग अलग आइटम, अलग अलग डांस के अलग अलग आइटम होते हैं। तो वहां से देखा हुआ था, तो हम कहे नहीं इतने सारे आइटम है, अब इसको मुझे सीखना है, ज्यादा से ज्यादा सीखना है कि मुझे 2 साल में कितना मैं कवर कर सकता हूँ। तो फिर मैं 91 जैसे ही मैं एक्टिंग कोर्स से निकला, मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, मुझे यहाँ ज्यादा नहीं मिल पा रहा था, हमें वही बेसिक एक्सरसाइज करता था और ये सब ज्यादा जो होता कि मुझे सीखने और चाहिए तो कैसे, वो देखा ही था मेरे ललक। फिर मैं वहां चला गया दिल्ली छोड़ के, फिर मैं जाके वहां 2-3 साल तक रहा, बीच बीच में आता रहा, दिल्ली में भी आता रहा नाटक में जो है 93 में मुझे सत्यव्रत राउत ने हमें, तब जाके जब मैं सराय चहू सीखा था, तो ऐसे मंडी हाउस में ऐसे क्रॉस कर रहे थे त्रिवेणी से, इधर जा रहे थे घर जाते हैं जैसे मजार के पास, वहीं जाके मिल गए सत्या जी। तो बोले कि तुम्हें सुना है कि तुम चहू सीखते हो, जानते हो, और तुम मेरे साथ काम करोगे, मेरे नाटकों में काम करोगे, कोरियोग्राफी करोगे। हम क्यों नहीं करेंगे सर, जब मेरा काम ही क्या है, डांस जब करता हूँ, चहू सीखा हूँ, तो क्यों नहीं करेंगे। फिर उन सुना था कि हाँ सत्या जी ऐसा काम करते हैं, वो बोलते हैं मैं चौक को लेके काम करता हूँ। तो सत्या जी के साथ मैंने नाटकों में, और जो मेरे सर थे एक्टिंग कोर्स में जो कोऑर्डिनेटर थे हेमा जी के पति जो हैं बागेश कुमार सिंह, तो मैं आया जब दिल्ली आया 93 में आया था ऐसे ही, मतलब वहां से लौट के आया था ऐसे, तो वो बोले थे कि तुम क्लास ले लो मतलब सिरान सेंटर में, 10 दिन का क्लास तुम चहू सीख के आए हो। जानते थे कि मैं एक्टिंग कोर्स के समय चहू सीखना शुरू, उससे पहले से सीखता था, तो जानते थे। तो वो बोले कि 10 दिन का क्लास तुम्हें दे रहे हैं, तुम एक्टिंग कोर्स को पढ़ाओ। तो मुझे एक ऐसे एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिलती रही उसमें, कि ट्रेनिंग भी देना है, और फिर जो सत्या जी मिले तो सत्या जी के साथ भी वही चहू के साथ काम करना शुरू कर दिया। तो वो स्टाइल को लेके कैसे काम करते हैं, उधर रुझान चली गई। और एक्टिंग भी जब नाटक कर रहे थे तो नाटक में हमें एक्टिंग का भी उन्होंने चांस दिया कि तुम्हें कोरियोग्राफी भी करना है, एक्ट भी करना है। और मैं जो है मतलब जब भी जो है सीखते वक्त मैं बजाता भी था, ऐसे हाथ मार्क मान लेते थे कि हाँ हम इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट होते थे, चाहे वो नगाड़ा हो, चाहे वो ढोल हो, तो इस तरह से जब खाली समय में, मतलब मैं कभी खाली समय जाहिर नहीं करता था, उसको बजा रहे तो धीरे धीरे बजाना भी आ गया कि चलो इसमें बजता क्या है, जो भी ताल और लय है उसके अंदर, ताल मात्रा जो है उसको जानकारी थी, तो उसको भी हाथ फेरना शुरू कर दिया। तो वो भी एक था। तो ऐसे वहां जाके इनके साथ काम शुरू किया, मतलब सत्या जी के साथ नाटकों में उनके साथ काम करना शुरू किया। फिर 94 में जब मैं लौटा वहां से, बीच में फिर चला गया था 6 महीने के लिए,
सरायकेला। फिर मैं वहां से आया 94 फाइनली, मतलब 3 साल रह के फिर मैं सोचा कि अब दिल्ली में रहना। तो फिर डीएटी का दिल्ली आर्ट थिएटर है जो शंकर मार्केट में, वहां सत्याजी नाटक कर रहे थे है वतन, तो उन्होंने बोला। और डीएटी में जो है शीला भाटिया का नाम सुना होगा, शीला भाटिया का उनका ग्रुप था अभी जी दिल्ली आर्ट थिएटर के नाम से। तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ जो है आ जाओ, बच्चों को जो है ट्रेनिंग देना और नाटक में भी काम करवाना, तुम्हें कुछ पैसा मिलेगा जो है। हाँ, चलो अच्छा, 400-500 जो भी मिलता है मिल रहा, जी तो काम भी कर लेते हैं और दोनों काम कर लेते हैं। फिर वहां जाके 1 साल तक मैं उनके साथ रहा उस दौरान। और फिर जब छऊ सीखा था तो इस दौरान मैंने बहुत सारे परफॉर्मेंस भी करना शुरू किया। जी फिर सेकेंडरी 94 में ही दादा का, निरंजन दादा का एक वर्कशॉप हुआ जो है त्रिवेणी में ही हुआ था। जी हाँ, माइंड का वर्कशॉप हुआ, तो जी दादा से मुलाकात हुई 94 में। तो वो जो चीज सीखा था, हाँ, फिर उसको जो है शास्त्री नाट्य शास्त्र के अनुसार जो है हमें उसको समझने का मौका मिला। नाट्य शास्त्र पढ़ाया, नाट्य शास्त्र पढ़ा था, जानता था क्या का जो है प्रयोग के लिए जो 11 आपके एलिमेंट आपके 11 तत्व जो है प्रयोग के लिए, उसपे नाम सुना था। जब वर्कशॉप हुआ था हमारे गोरखपुर में, तभी से नाट्य शास्त्र का एक, हाँ, मेरे पास सारा कलेक्शन था। लेकिन उसका जो है मूवमेंट का या भाव और रसों का जो समझाने वाला एक एक्चुअल जो गुरु, तो उसको कैसे समझाना, उसको क्या बताना है, क्या करना, वो हमें माइंड से मिला। दादा से जब मिला तब जाके समझ आया कि शास्त्र क्या है और ये एक्टिंग तो जो है शास्त्रों किस तरह से एक्टिंग है, ये फॉलो कैसे करते हैं, वो दादा से मिला। तो निरंजन दादा के साथ मिलने के बाद फिर मैं माइंड की तरफ, दादा ने बोला उसमें भी नहीं बोलते हैं इसमें भी नहीं बोलते हैं, दोनों सामंजस्य हो गया। वो स्टाइलाइज हम जो एक्टिंग करते हैं स्टाइलाइज माइंड भी एक तरह से करते हैं। जी हाँ, और जो है और वो जो रियलिस्टिक माइंड दादा का अपना रियलिस्टिक माइंड, तो दोनों ऐसा नहीं है कि कोई वो जो है हम लोग अभिनय जो करते हैं वो तो ठीक है साइलेंटली अभिनय करते हैं, जो डांस में होता मास्क पहने होते हैं, इसमें एक्सप्रेशन का है। ये तो और है कि हमें एक्सप्रेशन चलाने को भी मिल रहा है वहाँ, मेकअप लगा करके वो सब, तब जाके सारा मतलब जो शास्त्र और जो है अब चीज मूवमेंट का ये समझ में आया। तब हालांकि वैसे मैंने उनके साथ काम किया था, सत्या जी के साथ नागमंडल किया था, तो वो तो क्लासिकल नहीं तो फोक के तरीके से ट्रीट किया था। फिर धीरे जी धीरे दोनों एक तरह से, फिर सत्या जी के साथ मैं करीब 98 तक मैंने काम किया उनके साथ, बहुत सारे नाटकों में कोरियोग्राफी करना और उनके साथ परफॉर्मेंस कैरेक्टर भी करना, ये दोनों सर, काम एक चलता। चीज पूछना चाहूंगी। जहां आप छाऊ के बारे में बता रहे थे, तो छाऊ में जो आपने 3 शैलियां बताई, तीनों में क्या अंतर है? छाऊ के बारे में थोड़ा सा और विस्तृत अगर जानकारी हमको दें। छऊ जो है, छऊ मीन्स होता है मास मुखौटा, हाँ मास मुखौटा इसको बोलते हैं जल्दी जी उसको। और मास जो 3 तरीके की शैलियां हैं मास की, लेकिन जो पहले जो है 1947 से पहले जो है, तो 1940 के 1920 के आसपास है, 19th सेंचुरी में मान लीजिए, तो इसमें जो है ये सब उड़ीसा में थी सारी, ये शैलियां जो है सारी उड़ीसा में थी। जब देश का बंटवारा हुआ तो अलग अलग स्टेट में चले गए, जैसे पुरुलिया छऊ बन गया, मयूरभंज छऊ बन गया, सरायकेला छऊ बन गया। ये जगह का नाम, सरायकेला एक जगह है, पुरुलिया एक जगह है, जो है मयूरभंज जो है एक स्टाइल है, परिपदा के पास है वहाँ। तो सरायकेला और मयूरभंज, सरायकेला और पुरुलिया में मास्क लगाते हैं, और दोनों में डिफरेंस, उनका मास्क पुरुलिया का हेडगेयर बड़े बड़े और जिमनास्टिक टाइप मूवमेंट होते हैं, उसमें पलटे होते हैं ऊपर से, जो जिमनास्टिक में पलटते हैं कलाबाजी करते हैं, वो पूरा वीर रस का और युद्ध फॉर्म बन गया। सरायकला में मूवमेंट जो है लिरिकल मूवमेंट हो, तो बहुत सारे कई जगह सॉफ्ट होते हैं, कई जगह हार्ड होते हैं, इसमें वेरिएशन ज्यादा है। सरायकला के जो है
छऊ में बहुत सारे वेरिएशन है और इसमें आइटम्स भी बहुत सारे अलग अलग रसों के, जो रस भाव की हम बात करते हैं उसमें अलग अलग रसों के आइटम है, तो वेरिएशन ज्यादा मिलता है। मयूरभंज में जो सरायकेला का ही एक भाग था पहले, वहीं से गुरु गए थे मयूरभंज में, तो मयूरभंज के राजा वहाँ अलग से जो है तैयार किया था, तो वहाँ उन्होंने मांस निकाल दिया, लेकिन वो जो है फेस पे डेड ही होता है, ऐसा नहीं है कि हम मांस लगा लेते हैं तो हम मांस के साथ इमोशंस का जुड़ा होता है, वो फिजिकल इमोशन जुड़ा होता है मांस के साथ। उन्होंने जो है मांस हटा दिया लेकिन फेस न्यूट्रल होता है, उसको एक्सप्रेशन नहीं होता। जब सरायकेला में क्या है कि आप जो मूवमेंट करते हैं, जो भी बॉडी लाइन तैयार चलाते हैं, वो आपके एक्सप्रेशन के साथ चलता है, आपकी जो आइटम होते हैं अलग अलग भाव या रसों के आइटम होते हैं वो उनके मास्क होते हैं, कैरेक्टर के मास्क होते हैं, उस कैरेक्टर को जब हम पहनते हैं तो उसी के भाव के अनुसार हम बॉडी को या बॉडी मूवमेंट्स करते हैं, जिससे मास्क भी कहता है, उस पूरी स्टोरी लाइन को व्यक्त करता है। तो ये इस तरह से है, इनके डिफिनेशन है मास्क जो है। कोई खास ताल का भी ध्यान रखा जाता है, कोई खास ताल पर सिखाया जाता हो? इनकी तालें अलग अलग होती, हिंदुस्तानी ताले ही हैं, लेकिन इसकी जो चलन है उसके जो वाद्य है वो ढोल और नगाड़ा है, युद्ध के वाद्य की तरह है, नगाड़ा भी और ढोल जो बड़े बड़े साउंड होते हैं उसका, वीर रस का वीर रस प्रधान हम लोग कहते हैं जो है छऊ वीर रस प्रधान है। इसका हिस्ट्री है कि हालांकि ये हिस्ट्री में फेज आए, इसके हिस्ट्री में फेज आए हैं, जो ये छऊ का जो चलन हुआ ये हालांकि नेचर से निकला, प्रकृति से, आप जब सीखेंगे या सीखा होगा जानते ही हैं, जो प्रकृति से लिया गया एनिमल वर्ल्ड इस तरह के जो है मूवमेंट्स करते हुए, ये एक फेज रहा है जो है कुछ लोग कहते हैं छाऊ जो है छावनी से आया, कंट्रोलमेंट छावनी से आया, उसका एक भाग बन गया है। जब उससे पहले भी ये आदिवासी आर्ट है तो इसलिए जंगलों में ही इसका जो विस्तार हुआ है, जंगल में रहने वाला इंसान इस चीज को अगर वो जब रहेगा जंगल में तो उसका ऑटोमेटिक जानवरों जैसे, जानवर पशु पक्षियों जैसे उनके साथ, क्योंकि सर्वाइव करना होता है ना चीजों को, तो हम जब सर्वाइव करना होता है उनके साथ रहना है तो हमें उनके साथ व्यवहार उसी तरह, नहीं तो हमें क्या है एक दूसरे को हम फाइट करेंगे लड़ेंगे और शिकार करेंगे। तो ये एक फेज रहा है, तो उन कलाबाजी करना ये सब सारी चीजें हम जानवर से सीखा था, ये सब सारी चीजें, लेकिन जब राजा लोग का अपना विस्तार करना होता था तो जब जो है सेनाएं कम पड़ जाती थी तो वो जंगली लोगों को लेकर ट्रेंड किया, लोग बताते हैं कि हिस्ट्री कहती है कि वो ट्रेंड करने में जंगली लोगों को ले आदिवासी लोगों को ट्रेंड किया, तलवार ढाल पकड़ाया, आदिवासी का मेन तो अस्त्र तो तीर धनुष है, जंगल में लड़के तलवार ढाल से तो लड़ेगा नहीं लड़ाई, वो तीर धनुष से ही सारा अपना जो भी शिकार करते थे वो तीर धनुष से करते थे। तो वो तलवार ढाल एक परी खंडा जिसको बोलते हैं हम लोग परी खंडा, परी मीन्स होता है ढाल और खंडा मीन्स होता है तलवार, तो ये फेज बन गया उसका, टेक्निक बनाया गया कि कैसे ट्रेंड करना, किस तरह से सैनिकों को किस तरह से ट्रेंड करना है, अपना मार्च पास कैसे करना है, तो जो एक युद्ध सेना की अपनी एक ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग में पुरानी उन चीजों को उनको इन्वॉल्व किया गया, उनकी टेक्निक को कि ये अच्छे फाइटर बन सकते हैं हमारी सेना में आके, इतना ऊंचा इस तरह से जब फाइट करेंगे इतना स्पीड और सब सारी चीजें रहेंगी तो वो ऑटोमेटिक जो है लड़ाई का हमें लड़ाई जीत सकते थे। इस तरह से ये फेज आया छावनी, सबसे कुछ लोग कहते हैं छावनी है छऊ वहां से आया, ये एक फेज है। अभी जो है जब और डेवलप हुआ और लोगों का विचार आया, जब हम शास्त्र की तरफ जाते हैं कि छऊ क्या है, छऊ में जब हम शास्त्र की पढ़ते हैं नाट्यशास्त्र की जब बात करते हैं तब जाके वो चेंज हो जाता है कि हाँ छऊ मीन्स हो छह उपांग, जब शास्त्र पढ़ा तो जो अंगों का छह अंग हमारे शरीर के बॉडी के जो सिक्स पार्ट है या हम जो एक्सप्रेशन करते हैं उसको सिक्स पार्ट है, फोरहेड आईब्रो आईज नोज चीक लिप्स इस तरह से जो है सिक्स पार्ट है, ये छह उपांग ये भी है, इसको मुखज बोलते हैं और जो बॉडी का सिक्स पार्ट हो उसको शरीरज बोलते हैं।
अब इनको चलाने के लिए चाहे आप कोई भी चीज करते हैं, एक्ट करते हैं, कैरेक्टर करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको कहते हैं चेष्टा करे, चलाना हमें अपनी चेष्टा से, अपने माइंड से, मेरे दिमाग से। जब हम एक्टर हैं तो मुझे डायलॉग बोलना होता है, मुझे एक्सप्रेशन करना होता है, हमें मूवमेंट करना होता है। तो डांस में भी वही चीजें होती है, हमें सिर्फ डायलॉग नहीं बोलना होता है, लेकिन हमें जो मास्क पहनते हैं वो मास्क पहन के हम सारे एक्टिंग करते हैं, कैरेक्टर करते हैं। तो क्योंकि बोल नहीं सकते थे तो वो लोग बस आदिवासी थे, वो लोग बोलते नहीं थे, फेस पे मेकअप करते थे, बाद में मास्क लगाए। जब राजा लोग का कुछ राजा हम ये जो राजवाड़ों में विकसित हुआ है, तो राजा लोग बाहर से जो है पहले पेंट करते थे, आदिवासी जब थे तो अपने सर्वाइव करने के लिए वो चेहरे पर पेंट कर लेते थे या कुछ इस चीज से ढक लेते थे कि हाँ हमें जो जंगल में रहना है तो मुझे पत्तों से या उससे जानवर और खा ना जाए, तो घास फूस का उसको बोलते घास फूस कुछ लगा लेते थे। बाद में हम जो है फिर छाल पहनते थे, फिर बाद में आया जब राजा लोग पढ़ के आए थे, देख के आए थे कि कोई मास्क बना, मास्क नाम की चीज होती है कोई बाहर विदेश में है, तो पहले से चलती आ रहे, तो उसको बनाने का फिर यहाँ कुम्हारों से या उनके जो लोग बनाते थे गांव में उनको वो चीज सिखाया, ये पेपर मेसी नाम की कोई चीज वहां से सीख के आए थे पेपर मेसी से, और मास्क बनाना सिखाया, रिफाइंड मास्क, यहाँ मास्क था लेकिन वो रिफाइंड मास्क नहीं था। हाँ तो और एक तो स्कॉलर थे, राजा बाहर से पढ़ के आए थे, स्कॉलर थे, अपना शास्त्र इतना वहां का आइटम वो सब चीज देखा था, यहाँ आके जब देखा कि हमारा शास्त्र में तो ज्यादा है, उनका तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से भी अपने शास्त्र को उठाया और शास्त्र के नॉलेज के अनुसार सब सब सारी चीजें, फिर जो है डांस आइटम सारे इतने देवी देवताओं के और महाभारत से संबंधित, प्रकृति से संबंधित, नेचर से संबंधित इतने सारे आइटम तैयार किया था। ये एक तरह से ये चेंजे इस तरह के छव को डिस्क्राइब करते हैं हम लोग कि हाँ, और एक कहते हैं कि इमेजिनेशन जिसको छाया, शैडो, शैडो से आया। हम किसी जब हम कैरेक्टर लेते हैं तो किसी के हम इमेज लाते हैं ना, इमेजिनेशन में उसकी छाया, तो वहां से भी वो छव एक उसकी छाया लिया, छाया से छव हो गया। हाँ तो ये इस तरह से अलग अलग उसका मिलता है, सारा एक ही जैसे है। हाँ लेकिन जब हम शास्त्र की बात है छव है, छह उपांग है, आपका मेन जो है समझना है मुख, शरीर और चेष्टा, ये तीन ही चीज आपको हर जगह काम दे। अगर कोई नया कलाकार इस छाव को सीखना चाहता है, शैली में अपनी शिक्षा लेना चाहता है, तो उसे बेसिक किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए और कितने महीने या साल में वो पारंगत हो जाता है? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि सीखने के लिए कोई भी चीज, क्योंकि फिजिकल ऐसी चीज है कि उसको जब तक झील नहीं होगा अंदर अंदर से उसको कि मुझे कुछ करना है करके दिखाना है तभी वो जल्दी सीख सकता है। नहीं तो क्या होगा कि आप कई लोग क्या है 6 महीना 8 महीना भी सीख लेते हैं, तो फिर वो जब जैसे हम लोग को जब जब सीखते सीखते बताया गया, खुद हम जब एक हफ्ता या 10 दिन नहीं करते तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक पेंट करने लगती है, नई चीज उसको दोबारा करेंगे तो उसको चेंजेस उसमें आते हैं कि छूट गया है इसलिए वो मसल्स वो सब सारी चीजें करती है। डांस ऐसी चीज है कि साधना की चीज है, तो छूट जैसे आप नहीं करेंगे तो छूटती जाएगी। तो फिजिकल चीजें हमेशा शारीरिक बदलाव, जैसे हमारे एज का बदलाव हो रहा है, शरीर का बदलाव, उसी तरह जो है हमारे जो मूवमेंट में भी सारी चीजें चेंज होती है। तो अब सीखना है तो आप बेसिक बोला ना, बेसिक आप 10 दिन या 15-20 दिन में आपके अंदर रहेगा तो आपके स्ट्रेंथ है, आप पावर है, आप एनर्जी है, आप उसको 15-20 दिन में भी बहुत सारे मूवमेंट हम सिखा देते हैं, करवा देते हैं, लेकिन एक प्रॉपर कि हाँ स्वाभाविक एक होता है कि स्वाभाविकता आना चाहिए किसमें, तो हम करते क्यों हैं। जब हम जो नाटक करते थे एक दिन में डायलॉग याद होगा तो नाटक नहीं होता ना, उसको स्वाभाविक नेचुरल कैसे हो, नेचुरल के लिए हम जितना प्रैक्टिस करते हैं या जितनी बार हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं उसके अंदर एक स्वाभाविकता नेचुरलिटी लाने के लिए, चाहे वो स्टाइलाइज क्यों ना वो दिखे, जब हम करेंगे तो ऐसे लगेगा ये नेचर, हाँ ये हमसे बात कर रहा है या हम उसको समझ रहे हैं, तभी जाकर वो चीज एक्चुअल निकल के आती है उसको।
नहीं तो सीखने के आप मूवमेंट बता देंगे, सब कुछ बता देंगे, तो लेकिन जब तक आप साधन नहीं फ्री नहीं होंगे तब तक कैसे कर सकते। तो ऐसे ही है, आपके अंदर दिल होना चाहिए, आपको मेहनत करनी क्षमता, आपको प्रैक्टिस करने की। नाटक भी छूट जाता है तो हम क्या करते हैं, नाटक जब आप एक हफ्ता या महीना या 6 महीना 8 महीने बाद सोचो आप कितना, आपको फिर से एफर्ट कितना करना पड़ता है। जो चीज आप फ्लुएंटली में चलता है और अचानक दूसरा नाटक आता है, तीसरा नाटक हम लगातार कर लेते हैं, तो उसी तरह हम अगर हम 6 महीना नहीं किया तो हमारे शरीर से वो तो निकलता जाएगा ना, तो हमें सर कोई भी जब नई शुरुआत करता है तो कौन से मूवमेंट सबसे पहले शुरू करता है, किस तरह से इसकी प्रक्रिया शुरू होती है? हाँ, बेसिक जो है हर डांस फॉर्म का जो है फोक हुआ या ट्रेडिशन हुआ, फोक का भी अपना अलग अलग फोक का अपना अपना टेक्निक है कि मुझे कैसे चलाना है। तो उसी तरह बेसिक जो हर डांस का अपना एक बेसिक शुरू होता है, कि मुझे हर बेसिक शुरू होता कहा है कि चाहे आप कथक शुरू से शुरू करेंगे तभी आपको पैर से ही चलाना होगा। तो बेसिक जो आपका मेन आपका शरीर का मेन पार्ट है, आपको खड़ा होना है तो आपके पांव में, आपके पांव में स्ट्रेंथ, हर हर चाहे वो क्लासिकल हो, मैंने बोला ना क्लासिकल हो चाहे फोक हो, वो पैर से ही सारी चीजें शुरू होती। तो हमारा जो और धीरे धीरे हम ऊपर आते हैं, पैर की पहले एक्सरसाइजें होती हैं, पैर के बाद जो है जो सिक्स पार्ट मैंने बोला ना, हाथ का होता है, हेड और नेक का होता है, उसी के साथ चेस्ट का होता है, कमर का होता है, इस तरह से वो सारे एक्सरसाइज आइसोलेशन, इसको बोलता है आइसोलेशन, आप रोटेशन एक्सरसाइज है, जितना रोटेट होगी जितने सारे बहुत सारे डायमेंशन बनेंगे, हम जो है मूवमेंट करते हैं तो करते क्या है डायमेंशन बनाते हैं, अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग तरीके से मूवमेंट कैसे, लिरिकल मूवमेंट या वेवी मूवमेंट कैसे हो सकता है, या अप डाउन का मूवमेंट कैसे हो सकता है, कितने एंगल्स में जा सकते हैं, मेरी बॉडी कितने तरीके से चल सकती है, ये सब सारी चीजें जो मूवमेंट करता है वो वही सीखता है, उसी को हम मिलाते हैं। जैसे हम पढ़ाई में हम जब ABCD नहीं पढ़ेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि कि ये शब्द क्या है, ये अक्षर क्या है, ये क्या कहना चाहता है, आगे तभी तो हम वो शब्दों का या सेंटेंस को बना सकते हैं। तो ऐसे शुरुआत हम बेसिक से ही, हमारी बॉडी ही बेसिक है कि हम बॉडी मूवमेंट्स को जो है 6 पार्ट हमारे हैं, जो हेड हेड है, चेस्ट है, शोल्डर है, पार्श्व है, कटी है, कमर जिसको बोलते हैं, लेग्स मूवमेंट है, इससे हम सारा उसी का सारा गेम जो है उसी का वेरिएशन होता है। अब उसको हम चौ में बोलते हैं, चाली है, उफली है, ये कूदने का टोपका है, जंपिंग मूवमेंट है, ये पलटने का है, उसी मूवमेंट में उस पलटने का मूवमेंट हो जाता है। इस तरह से इतने सारे उसके टेक्निक है जो लाइफ में मिलते हैं। आपको जब बोला ना कि जहां से निकली हुई चीजें हैं वहां से नेचर से उठाते हैं, कि हमारा जो एक इंसान बहुत सारे मूवमेंट कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ा हमारे पास सिक्स सेंसेस है, सिक्स सेंस को हम जब यूज करते हैं तभी जाकर बहुत सारी चीजें निकलते हैं। कुछ भी एक्टर कुछ भी कर सकता है, डांसर मतलब बहुत सारी चीजें करता है, जानवर नहीं कर सकता, आदमी कर सकता है उसको, तो ऐसे है। सर जब आप इस शैली का अपने संस्कृत नाटकों में प्रयोग करते हैं तो किस तरह से तैयार करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। संस्कृत नाटक करने के लिए जो है नाट्यशास्त्र में सभी लोग पढ़े हैं कि जो है आंगिक वाचिक आहार सात्विक, तो सबसे पहले हम तो आंगिक पे ही काम, संस्कृत जो नाटक करने के लिए जो है जब हम स्टाइल पे जाते हैं तो बेसिक तो जब चाहे वो छऊ में हो या कोई भी जो स्टाइल में करेंगे तो पहले बेसिक तो हमें सिखाना पड़ेगा। जो नए कलाकार आते हैं, जो भी नए कलाकार कहें कहीं भी इंस्टीट्यूशन में भी जाते हैं, तो जब तक उनको टेक्निक नहीं सिखाएंगे कि बॉडी लैंग्वेज किस तरह से चलेगा, किस तरह से बॉडी लाइन काम करेगी, तो ये प्रॉब्लम्स हर जगह संस्कृत नाटक फेस करने के लिए बहुत जो है फिजिकल काम बहुत जरूरी होता है। उनको पहले खड़ा करें, चलाना सिखाएं, खड़ा करो चलाना सिखाओ, फिर उसके बाद बोलना, तो अगर वो बोलते हैं तो उस बोलने में तरीके हैं संस्कृत नाटक की, कौन सा नाटक उठा रहे हैं, किस तरह से उसका वाचिक
जो होगा वो किस तरह से होगा वो भी हमें देखना पड़ता है कि उसे संवाद शैली कैसे चलेगी। ताल लय बहुत जरूरी है संस्कृत नाटक करने के लिए कि ताल लय में और भाव एक्सप्रेशन, अब क्योंकि लार्जर देन लाइफ होता है संस्कृत नाटक में, जो एक्सप्रेशन का भी बहुत महत्व तो रखता है। हम लोग रसों की बात करते हैं, सात्विक अभिनय जिसको जिसके अंदर रसों और भाव और सात्विक भाव का भी ध्यान रखा जाता है। ये सब सारा जो है नाटक जब हम उठाते हैं या मतलब नाटक से पहले हमें एक्टर को तैयार करना पड़ता है, इनको उनको ट्रेन करना पड़ता है। सारे आंगिकम जो है वाचिकम आहार तो आहार तो समझ रहे हैं, तो नाटक जैसा होगा उस तरह से आहार तैयार कर लेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम नई जगह जाते हैं तो हर जगह नई जगह क्या हर जगह हमें जैसा नाटक होगा उसी तरह से कॉस्ट्यूम डिजाइन करना पड़ेगा। तो ये है ये प्रॉब्लम तो इसमें है, प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ता है कि मुझे एक्टर को शुरू से, चाहे पहले ही हमें कई बार ऐसा भी हुआ कि हमारे पास सौ सौ नाटक करके भी मेरे पास एक्टर आए हैं और नाटक करते वक्त तो वो छोड़ के चले गए कि मैं नहीं सर मैं मेरे से नहीं होगा मुझे माफ करिए, ऐसा भी हो जाता है बहुत सारे बहुत जगह से ट्रेन होके। और बहुत लोग को इच्छा होती है कि सर आपके साथ काम करना है, मुझे चौ में नाटक करना है, इस तरह से भी लोग आते हैं कि चौ में करना, तो करते हैं वो भी करते हैं। कुछ लोग करके जब वो समझते नहीं अरे तो बहुत बड़ी चीज है इसको नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे भी है इस तरह से दोनों है। ये है कि अगर सीखा है या समझदार है या करना चाहता है तो कर ले जाता है, तो हर चीज में मेहनत तो करना ही पड़ेगा। क्या सर कभी ऐसी भी चुनौती आई कि नाटक निर्देशित करते समय बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स आई या एक्टर्स नहीं समझ पा रहे हैं या बहुत समय लग रहा है प्रोडक्शन को तैयार करने में? आपने मध्यम व्यायो का नाम सुना, मेरा एक नाटक मध्यम व्यायो है। पहले जो मैं शुरुआत 98 में जब मैंने अपना इंडिविजुअल मतलब नाटकों के डायरेक्शन शुरू किया संस्कृत नाटकों का, मैं दूतवाक्यम था, दूतवाक्यम से शुरू हुआ था। उस दौरान मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, 98, 92, 98, 99 इस तरह से चलता रहा। करीब जाके 2008 में साथ में जो है जाके फेस करना पड़ा कि मैं जब मध्यम व्यायो 2008 साथ में कर रहा था तब जाके हमें ये इस नाटक को करने में मुझे लंबा वक्त लगा, 6-8 महीने। बहुत कास्ट बदली, लंबा टाइम नहीं लगा मतलब, तो कास्ट बदलती रहे, आते रहे जाते रहे, एक्टर आते रहे जाते रहे, ऐसी स्थितियां आई कि जो जतिन था, जतिन अपना लास्ट जो है वो दो तीन दिन पास आई, फुल नाटक हो जाता था, लास्ट तक पहुंच जाता था, सब गायब हो जाते थे। तो जतिन मेरे साथ कर रहा था 5-6 महीने से, बोला सर क्या नाटक हो पाएगा कि नहीं, बोला मैंने बोला तुम मेरे पास आए हो करने के लिए, तुम सोचो तुम कर सकते हो नहीं कर सकते, रह सकते हो नहीं रह सकते, तुम अपने पर विश्वास करो। नाटक तो होगा, नाटक तो मुझे करना ही है, भले ही टाइम लगेगा, तुम ये सोचो कि मैं करूंगा, सर के साथ मुझे काम करना है, तो तुम मेरे साथ काम कर रहे हो तो तुम उस पर विश्वास रखो, मेरा काम है करना। ठीक ऐसे ही झोंक आया, नाटक तैयार हो गया था फिर भी नहीं, फिर दूसरा इस तरह से चलता चलता 6-7 महीने बीत गए। तब जाके एक ऐसा जोक आया कि बहुत सारे एक्टर आए, नाटक खाका तो बन चुका था सारा कुछ, तो उनको ट्रेन किया और फटाफट नाटक फिर शो हुआ। उसमें लंबा वक्त लगा, उस नाटक में लंबा वक्त लगा, हालांकि बहुत अच्छा नाटक बना मेरा मध्यम व्याह जो है, सबसे अच्छा मैं मानता हूँ उस नाटक को मध्यम व्याह। बहुत सारे मेरे नाटक जो है पुराने नाटक जो शुरुआत किया था वो भी मेरे अच्छे नाटक में उनको मानता हूँ, लेकिन एक लंबा मध्यम व्याह में बहुत लंबा खींचा और अभी मतलब एक तरह से हमारा लंबा चला, बहुत सारे शो किए, चाहे इंडिया में किया बाहर किया शो, तो वो मेरा एक अच्छा है इनका पत्थर है वो नाटक। आपकी इसी बात से मेरा जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है कि आपने राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बहुत सारे समारोह में भाग लिया और ये प्रस्तुतियां दी हैं,
तो कैसा रेस्पॉन्स रहा उसके बारे में बताएं। मध्यम वयोग में जो है मैंने किया था जो है 2017 में गया था, तो वो पूरा स्टैंडिंग ओवेशन में हमें मिला था। पहली बार मैं अपना नाटक लेके गया था और मध्यम वयोग को, और उनको बहुत अच्छा लगा इस तरह से, जो मतलब मैंने भी नहीं सोचा था कि इस तरह हो जाएगा और इस तरह से रिस्पॉन्स मिलेगा। और उन्होंने क्वेश्चन भी बहुत किया हमारे, जब डिस्कशन हुआ कि आपने इस नाटक के किस तरह से कैसे मतलब, एक होता है कि नाटक होने के बाद जिसके ऊपर दूसरे दिन हमारा क्वेश्चन आंसर भी होता है, किस तरह से कैसे इसको तैयार करते हैं आप लोग, इंडियन थिएटर का तो यही एक वो है जो सूत्र है उसका, सभी लोग नहीं समझते हैं, बाहर के लोग तो नहीं समझते हैं, तो उसको समझना चाहो। बहुत सारे क्वेश्चन हुआ किस तरह से उसको कैसे डिजाइन किया, क्या आपने किस तरह से आर्ट को किस तरह प्रेजेंट किया, ये बहुत सारे क्वेश्चन हुए थे और अच्छा लगा था कि वहाँ डिस्कशन में इस तरह से लोग जानना चाहते हैं और इस तरह के नाटकों को वो पसंद करते हैं, संस्कृत नाटक हुआ या जो इंडियन आर्ट जो है। अभी भी इस लॉकडाउन में मैं हिस्सा नहीं जा पाया, सारा जाना था सर। क्या वहाँ पर भी कभी वर्कशॉप लेने का मौका मिला अक्सर आया? पिछले साल जो है जर्मनी में गया था, तो एक महीना रहा उनके साथ वहाँ जर्मनी में, एक नाटक डायरेक्ट किया कर्ण भारम बच्चों के साथ, वहाँ रह के वहाँ बच्चों के साथ नाटक डायरेक्ट किया, उनको भी मजा आया। दो जगह दो उनके दो स्टेट में मतलब, तो उन्हीं के स्टेट में दो दूसरे जगह भी उसको परफॉर्मेंस हुआ दो जगह कर्ण भारम को, क्योंकि पहले मेरा नाटक देखा था और परफॉर्मेंस भी देखा था उन्होंने, तो फिर मुझे जर्मनी बुलाया जर्मनी वालों ने। पहले तो इटली गया था, इटली से और उन्होंने देखा था, तो जर्मनी में एक बार तो हम लोग परफॉर्मेंस करने गए थे, शो किया था उस समय, डांस किया था, एक्टर लोग नहीं गए थे। फिर दोबारा जब उन्होंने बुलाया तो बोला कि हमारे साथ आपको तो पहले से फिक्स था एक महीना आना, टाइम देना है और नाटक डायरेक्ट करना है अपने मेरे बच्चों के साथ। तो इस तरह से पिछले साल मैंने कर्ण भारम उनके साथ डायरेक्ट किया और जर्मन भाषा में किया। संस्कृत को हिंदी से उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, इंग्लिश से ट्रांसलेट किया जर्मन भाषा में, तो ये जर्मन को जर्मनी भाषा में उसको ट्रांसलेट करके नाटक किया। बहुत मजा आया, उनको बच्चों ने तैयार किया था, स्कूल के बच्चे थे उन्होंने तैयार किया था। इस साल भी जाना था, उन्होंने 15-20 दिन के लिए बुलाया था, फिर से नाटक करना था उनके यहाँ जाके डायरेक्ट करना था, लेकिन लॉकडाउन ने सब चौपट कर दिया है कि मेरा। सर आपने बताया कि जर्मनी में भी आपने प्रस्तुति तैयार करवाई, तो उन बच्चों को कैसे समझ में आई हमारी भाषा, कैसे कम्युनिकेट किया आपने अपनी बात को? नहीं, पहले से हम जो है फिक्स था कि यहाँ आके नाटक करना है, तो वो नाटक करना तो हमने सोचा यहाँ से ही प्लान बनाया पहले, जर्मन में जा रहे हैं और तो हिंदी तो बोलेंगे नहीं और संस्कृत भी नहीं बोलेंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश तो सभी लोग बोलते हैं, सब लोग जानते हैं, ऐसा जब नहीं करते हैं इंग्लिश में नहीं बुलाते, जर्मन में है तो जर्मनी भाषा में ही हम करेंगे। हमारे लिए भी एक चैलेंज होगा कि हम जहाँ जाएंगे जिस स्टेट में, इंग्लिश में तो करना आसान है, जैसे हम हिंदी में करते हैं, संस्कृत नहीं समझते तो हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो हिंदी से जब अंग्रेजी में कर लेंगे तो अंग्रेजी भी अगर मैं समझता हूँ या बोल लेता हूँ तो उनके लिए भी वो लोग भी बोल लेते हैं, कुछ लोग कम्युनिकेट कर लेते हैं। लेकिन हमारे लिए भी हमें भी ये सीखना था कि हम भाषा को मुझे भी सीखना है या जानना है कि कैसे उस चीज को वाचिक को कैसे हम उनके साथ फट से बोल देते हैं शब्दों को, हम लोग कितना खींचते एलिब्रेट करते हैं उस चीज को, तो ये एक इंटरेस्टिंग था कि मुझे एक तरह से सीखने का भी था। तो हमने इंग्लिश से पहले इंग्लिश में भेज दिया उनको मैटर को और फिर बोला कि आप इसको जर्मन में अनुवाद कर दीजिए और इसको जर्मन लैंग्वेज में ही हम करेंगे। तो ये मुझे, और हमने ऐसा इसका स्क्रिप्ट बनाया कि ये जर्मन लैंग्वेज रहेगा, उनका जर्मन से निकाला, मैंने हिंदी और जो हिंदी और इंग्लिश का एक स्क्रिप्ट बनाया, तो वो जो बोलते थे वो तो इंग्लिश में समझ आती थी, तो ये उस तरह से लाइन वाइज लाइन एक के बाद एक ऐसे अनुवाद किया था।
तो बहुत सारी चीजें हमने उनसे भी समझने की कोशिश किया कि अच्छा ये इंग्लिश में ऐसे बोल रहे हैं तो आप लोग क्या ऐसे बोल रहे हैं, तो इस तरह से बुलवाए और बहुत सारी मतलब मजा आया इस तरह से करने में। तो भाषा भी और वैसे छऊ तो मूवमेंट बॉडी लैंग्वेज का ज्यादा था, फिजिकल उसमें जो कर्ण भारम एक ऐसा नाटक है जिसमें संवाद कम है, दृश्य ज्यादा है, तो हमें संस्कृत नाटक करना है तो हमें काव्य दृश्य काव्य बनाना था, तो हमने सोचा कि चलो ये मौका है कि दृश्य को कैसे मूवमेंट को कैसे खेलते कैसे इस तरह से, तो उनको मूवमेंट के साथ हमने खिलवाया। और उस नाटक में जब शब्द कम है तो मूवमेंट ज्यादा होंगे, तो वो भी एक तरह से उनको भी जानकारी हो, लेकिन क्योंकि वो चाहते थे कि जब आप नाटक मूवमेंट से करते हैं वो लोग भी फिजिकल करते हैं, जो टीम है वो लोग भी साइको फिजिकल नाटक करते हैं, तो वो उनके लिए भी आसान हो, जो डायरेक्टर हैं वो साइको फिजिकल नाटक करते हैं, वो फिजिकली ज्यादा मूवमेंट यूज करते हैं, घुड़ना नीचे लेटना उठना पकड़ना ये सब सारा उनका, हम लोग का तो जो है नाटक होता है उसमें रिदम ताल से चलता है, लेकिन उनके अंदर उनका कोई ऐसा रिदम नहीं होता जो साइको फिजिकल का होता है, मूवमेंट कुछ और कर रहा है, डायलॉग कुछ और बोलते हैं, अपना डायलॉग जो बोला वो बोलते हैं, मूवमेंट कुछ करते हैं, इस तरह से वो अंदर तो था उनके अंदर, तो वो समझने में आसान नहीं रहा कि हमें मैं बताया ये ऐसे करना है वो ऐसे करना, इस तरह से आना इस तरह से जाना, ये सब सारे कोरियोग्राफी किया सिखाया तो फटाफट कैच किया। हाँ बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, करीब हम एक महीना रहे लेकिन हमें 10 दिन में नाटक करके हमें उनको दे दिया नाटक। हाँ और 20 दिन तो ऐसे घूमा इधर उधर जाके, हाँ घूमते रहे और दूसरी जगह, लेकिन 10 दिन में ही नाटक किया था, वो 10 क्लास था कि कहिए कि 10 करीब 20 घंटे या 25 घंटे लगा होगा, या हाँ 25 घंटे में ही सारा नाटक किया था, इतना लंबा नहीं, 1 महीना रहा था, लेकिन उनको भी अपना एक शेड्यूल बना रहा था, स्कूल का शेड्यूल अपना पढ़ाई का अलग शेड्यूल है, उससे अलग निकल के टाइम देना और उसके साथ, तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो इस बार ऐसा शेड्यूल था कि हमें 15 दिन में ही जाना है, और क्योंकि उनको पता था कि फटाफट कर लेंगे नाटक जो भी आएगा, वो बच्चे पहले से तैयार है किया हुआ है, तो वो समझ में उनको आ गया था कि हाँ ये डायरेक्टर भी समझ में आ गया था ये जल्दी से तैयार कर देंगे, मतलब विधा की समझ आ गई उनको कि ये शैली किस तरह से होगी, कैसे मूवमेंट होंगे, चाली कैसे लेना है, तो वो ज्ञान उनको मिल गया। नाटक तो जल्दी हो सकता है, तो जैसे मैंने अभी थोड़ा सा जैसे बच्चों के साथ मुझे काम करना है, तो अब मैं धीरे धीरे बच्चों के साथ मुझे कैसे उस नाटक को मैंने अभी उसी कर्ण भारम को मैंने वहां तो 8 लोग 10 लोग किया था वहाँ, अभी जो है जब मैं वहां से लौट के आया तो कर्ण भारम को करीब 70-80 बच्चों ने मैंने वहाँ जोधपुर में किया है कि स्कूल में, स्कूल में 80 बच्चों ने कर्ण भारम में पार्टिसिपेट किया। क्या इतनी तो उसमें कास्ट भी नहीं है? कास्ट नहीं है, लेकिन वो कास्ट ऐसे बढ़ाया जो है उसका विजुअल्स ज्यादा चलता है ना, कर्ण भारम का जो नाटक है विजुअल्स में ज्यादा खेलते हैं, उसको पूर्व रंग में ही इतने सारे हाथी घोड़े ऐसा चौथो ऐसे ही मूवमेंट का नाटक है, जी, जी, तो जो है नाटक जो है उस नाटक में विजुअल्स जब आते हैं अलग अलग तब वो सब सारे बच्चे लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर योगा भी ज्वाइन किया वो स्कूल में, अभी क्या स्कूल में योगा के टीचर थे, तो मैंने कहा कि ऐसा है कि आपके जो जितने योगा के जो मतलब जो सीखना हमें नाटक करना चाहते हैं वो अलग, तो योगा एक सीन में हमने पूरा योगा डाला, जैसे एक उसका परशुराम का दृश्य था, हाँ परशुराम के एक ट्रेनिंग का बनाया था, परशुराम शिक्षा दे रहे हैं, तो हम योगा से शुरू करते हैं, उसको टैबलो बनाते हैं, उसमें परशुराम बताते हैं कि योगा होगा, फिर मार्शल आर्ट आएगा, इस तरह से एक ट्रेनिंग प्रोसेस दिखाया, फिर जाके कर्ण का एंट्री होता है, कि वो सब कर्ण छुप छुप के देखता है क्या मूवमेंट कैसे करते हैं, किस तरह क्या क्या चीजें चलती है, तो वो नाटक में बहुत मतलब वो है फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत गेम है, आप उसको जिमनास्टिक जोड़ सकते हैं उसमें, मतलब लास्ट में तो हाथी घोड़े आते हैं ना सारा कुछ,
तो सारे बच्चे इसमें आ जाते थे, करीब इस अलग अलग सेक्शन में अलग अलग डिवाइड किया था कि इतने घोड़े बनेंगे, इतने हाथी बनेंगे। हाँ, इस तरह से वो नाटक लास्ट में कैरेक्टर तो पांच ही छह हैं जी, छह कैरेक्टर हैं, वो भी ज्यादा बोलते नहीं है। हाँ, बस क्वेश्चन आंसर होता है इंद्र का, उसका, ब्राह्मण का, और ज्यादा नहीं है। 5 पेज का नाटक और 1.5 घंटे वो परफॉर्मेंस करते हैं। पूरा दृश्य जो है युद्ध का दृश्य है, और सूर्य का दृश्य है, उसमें कुंती और सूर्य का मिलन दिखाते हैं। तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे सूरज की किरणें बन जाते हैं, और वो पूरा करीब मैंने बोला ना 70-80 बच्चे जो है उसमें परफॉर्म किया था। बहुत बढ़िया प्रयोग रहा सर आपका। सर कभी ऐसा भी रहा कि कोई ऐसा नाटक जिसको आपने ही निर्देशित किया और अभिनय भी किया हो उसमें? बहुत सारे नाटकों में मैंने संस्कृत के अपने जो नाटकों में ज्यादातर बहुत सारे नाटकों में मैंने खुद एक्ट भी किया है। मैं वो दूतवाक्यम नाटक था जिसमें जो कैरेक्टर चक्र का है, सुदर्शन चक्र का, मैं खुद करता था, क्योंकि इतना उसमें स्ट्रेंथ पावर लगता था, एनर्जी को एक्टर, दूसरे एक्टर जो वैसे ट्रेन एक्टर आते हैं ट्रेनिंग लेने आते हैं, उतना वो नहीं होता है कि इतना कम समय में उस चीज को कैरेक्टर को कर सके। तो बहुत सारे जो कैरेक्टर है जिसमें बहुत सारे एनर्जी, बहुत सारे मूवमेंट, बहुत सारे संवाद रहे हैं, उसको मैं ज्यादा मैंने उसको परफॉर्म किया है। मतलब उस कैरेक्टर को कोशिश यही किया कि एक्टर करे, लेकिन जब एक्टर में चांस नहीं मिलता, कई बार तो एक्टर नहीं कर पाता, बोलता नहीं मुझसे नहीं होगा, या वो चीज निकल के नहीं आती है, तो मुझे खुद उतरना पड़ता है। कई बार ऐसा वो एक्टर नहीं है, अब शो आ गया तो मुझे उस कैरेक्टर को करना पड़ता है, जैसे घटोत्कच, जैसे मध्यम वर्ग में घटोत्कच करना हुआ, या भीम करना हुआ, या दूत घटोत्कच में मुझे कोई रोल करना हुआ, तो मुझे खुद कभी कभी उतरना पड़ा। मतलब बहुत सारे नाटकों में जब रिपीट होता था तो अचानक जो है कैरेक्टर, अब कोई हैवी मूवमेंट का कैरेक्टर है, वो अचानक नया जो एक्टर आएगा वो नहीं कर पाएगा इतने सारे मूवमेंट, तो मुझे खुद को कभी कभी खुद को उतारना पड़ता था। कई बार मैंने इस तरह से किया है, मैं बहुत सारे नाटकों में करता आया हूँ। पीछे अभी प्रतिमा नाटक में भी मैंने एक रोल छोटा सा, हमने कहा चलो हम भी करते है, तो एक रोल किया, कसरत का रोल किया, उसमें हालांकि मूवमेंट नहीं था, फिर भी एक रोल किया। एक्टर जो होता है ना उसको तो वो रोक नहीं पाता अपने आप को, रोक नहीं पाता है। जाता है। जी। बेसिक तो मेरा एक्टिंग का ही दिलता है ना, डायरेक्शन में तो एक सोचो कि करना है, और एक वो पेज आया कि चलो इतना सारी कुछ सीखा। अब वहां छूट गया ना, मैंने बोला नहीं कि मुझे, मैं तो पहले एक्टिंग के लिए आया था, मीडिया में जाना था मुझे। लेकिन अचानक 97-98 में हमारा बदलाव आता, इतने सारी मन में ख्याल आया कि इतना सारी चीजें सीखा है, इतनी सारी चीजें फॉर्म सी, चाहे वो कथक हो चाहे वो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम भी 2 साल तक मैंने सीखा है, कथकली भी थोड़ा सा बहुत सीखा। इस तरह से जब सीखा था इतना सारी चीजें, तो यही ख्याल आया कि मैं इतना सारी जो चीज सीखा है, मैं फिल्म में जाऊंगा तो मेरा तो यूज ही नहीं हो सकता, वो सब चीज निकल जाएगा, सारा सब छूट जाएगा। इतनी साधना करने के बाद मैं जाऊंगा फिर से, मैं स्ट्रगल करूंगा चीजों को, 10 साल फिर मैं वहां स्ट्रगल करूंगा, तो जो मेरा था वो तो सब खत्म हो जाएगा इतने महीने का, इतने सालों का। तो मैंने सोचा नहीं वहां नहीं जाएंगे, मैं अब जब सिखाऊंगा करूंगा अपने से जो है डायरेक्ट करूंगा, एक्ट करूंगा अपने नाटकों में, अपने मुताबिक भी एक्ट भी कर सकता हूँ, भी कर सकता हूँ, मुझे जो चाहिए, मुझे जितना चाहिए मैं उतना डालूंगा, जितना कुछ सीखा उसको एक्सपेरिमेंट करूंगा, चाहे वो माइंड हुआ, चाहे वो छऊ हुआ, चाहे इतना सारे मूवमेंट सीखा, सिखाऊंगा भी मैं बहुत सारी चीजें। हम जब सिखाते हैं तो बहुत सारी चीजें हम, मैं जो दूसरी चीजें सीखा था उसको भी यूज करते हैं, चौक के हिसाब से यूटिलाइज करते हैं, सिखाया है ये। और कुछ माइंड के अनुसार मैंने सिखाया है, जब मैंने माइंड सीखा दादा से, बहुत दादा ने जब निरंजन दादा के साथ जब मैं जुड़ा तो उन्होंने बहुत सारे, उनके साथ जुड़ने के बाद
मुझे बहुत सारे वर्कशॉप मैंने किया, उन्होंने बोला कि यहाँ करो वहाँ करो कलकत्ता करो, बहुत सारी जगह किया। तो वो चीजें माइंड से भी, माइंड सीख लिया, माइंड भी करता था बहुत सारे, अभी भी मैं माइंड करवाता हूँ। जो है जब जब फेस्टिवल होता है दादा का, तो मैं वहाँ माइंड माइंड में नाटक, जैसे मध्यम व्याग माइंड में किया, हाँ पाय बदल अच्छा जब किया तो माइंड में जाके उसको प्रयोग किया। अब मैं मूवमेंट के साथ, मूवमेंट जब खेला है तो मैं माइंड जानता है, तो मैंने बहुत से नाटकों को मैं अपने माइंड में लाया, ये भी जी एक जी एक्सपेरिमेंट किया। क्योंकि जी जो संस्कृत नाटक है वो तो पहले तो दृश्य है ना, फिर काव्य में बाद में आता है, काव्य एक संवाद है, हम नाटक को आगे बढ़ाते हैं चीजों को। लेकिन जब फिजिकली जब तक आप मूवमेंट नहीं करेंगे, उस अभिनय नहीं करेंगे हर गीत का, तो वाचिक का महत्व तो क्या है। वाचिक तो आपको एक जो है एक स्टेज से दूसरे स्टेज, दूसरे स्टेज तीसरे आगे बढ़ाता है, एक सूत्रधार की तरह यूज करता है या एक संवाद करता है। आंगिक जो है आपको आपको भाव रस वो सब दर्शाता है, करवाता है, समझाता, बताता है, ये चीज है। सिचुएशन आप शरीर के आंगिक के थ्रू कैसे उसको दर्शकों को कैसे उसको एहसास कैसे करवा सकते हैं। सर, आपने जिन जिन निर्देशकों के साथ काम किया, उनमें से किसी के साथ खास काम करने का कोई अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहें? एक्टिंग कोर्स के समय तो मैंने दो नाटक किया था, वो एक्टिंग कोर्स दिनेश खन्ना और राजेश कुमार सिंह के साथ। उसके बाद मैं सत्या जी के साथ मिला, तो सत्या जी के साथ उनके नाटकों में, उनके नाटकों का ही प्रभाव एक तरह से, उन्होंने हमें जो है शैली का जो है प्रयोग किस तरह से होता है वो उनसे सीखा, सत्या जी से, उनके साथ नाटक किया, उनकी उन्हीं के साथ मैंने नाटक करना, मतलब बहुत सारे नाटक किया, संस्कृत नाटक, चाहे वो उरुभंगम हुआ या चाहे है वदन करना हुआ, चाहे उरुभंगम करना हुआ, इस तरह से उनके साथ रहते हुए बहुत सारे, जैसे नागमंडल किया उनके साथ, और कोरियोग्राफी भी किया उनका, पासा नाटक जो था, हाँ उनका पासा नाटक से जो मूवमेंट का जो प्रयोग होता था, और एक दो और नाटक मिल सहेल, और इस तरह से कई नाटकों में उनको काम किया। तो जो शैली थी वहां से एडॉप्ट किया मैंने। सत्य जी तो बहुत सारे पॉन्स को फिर अलग अलग विधाओं की तरफ भी चले गए, लेकिन मैं उस विधा को पकड़ लिया। जब पासा किया, पासा या मूवमेंट को किस तरह से, पासा एक प्योर फोक था पहले, मैंने उसको ऐसे क्लासिफाई किया, ऐसे क्लासिफाई बना दिया। पहले उनका जब नाटक किया था पासा, उन्होंने जब करवाया था तो दूसरे से करवाया था, वो उड़िया भाषा में था, तो जब हिंदी में उन्होंने किया अनुवाद करवाया था, तो उसको मैंने ऐसे बांध दिया था, तो ऐसे लगे जैसे संस्कृत नाटक जैसे चलता है उस तरह से। हाँ फोक और जो है ट्रेडिशन और क्लासिकल कैसे बन जाता है, तो फिर भी उस समय हमें पता नहीं था क्लासिकल का, कि क्लासिकल फॉर्म किस तरह से। लेकिन जब धीरे धीरे जो है करते करते जो है एक फॉर्म को उस समझ में आया, तब जाके उनके साथ नाटक किया। और 98 में फिर मैंने बोला ना, उनको छोड़ने के बाद मैंने 98 से अपना इंडिविजुअल किया, उनके नाटक के बाद मैं वैसे एक्सपीरियंस मोहन मरसी जी के साथ मैंने एक नाटक में उनका ओथेलो कर रहे थे, उसमें मतलब ऐसे कोरियोग्राफी किया था मैंने, एक्टिंग ज्यादा डायरेक्टरों के साथ एक्टिंग नहीं किया है, मैं अपने नाटकों में एक्टिंग किया, और जो है उनके साथ काम किया, सत्या जी के साथ काम किया, और जो मेरे दो राजेंद्रन जी के साथ किया, ज्यादातर मैंने कोरियोग्राफी किया, बहुत सारे नाटकों का मैंने कोरियोग्राफी किया। एक्टिंग डायरेक्टर डायरेक्टर के साथ कोई ऐसा मेरा एक्सपीरियंस उस तरह का ना रहा कि किसी डायरेक्टर के साथ जुड़ के उस तरह से नाटक एक्टिंग नहीं किया। नाटकों में एक्टिंग को उसके समय जो किया वही किया बस, जी तो मैं इंडिविजुअल और कोरियोग्राफी प्लस उसमें न जो एक्टिंग जो रोल एक्टर नहीं कर पाता उस जगह मैं खड़ा हो जाता था, हाँ मुझे करवा जाता था। एक एक्सपीरियंस मैं आपको ऐसे शेयर करूंगा, जब 2006 में सत्या जी ने एक खैरागढ़ में यूनिवर्सिटी में जब उन्होंने एक वर्कशॉप हुआ था, उसमें भी एक एक्टर भाग गया, मेन एक्टर जिसको बोलते हैं, और वो कर रहे थे वो मिडसमर नाइट ड्रीम,
उसमें अब क्या करे, वो एक्टर को मैंने 10 दिन तक ट्रेन किया और वो तैयार नहीं हो पाया, सत्या जी भी परेशान हो गए। हाँ तो वो बाद में बोला कि भूमि ऐसा करो तुम ही उसमें रोल कर लो, अब नाटक तो करना है, शो करना ही है। अब इस तरह से मूवमेंट उसको कोरियोग्राफी किया था कि अब वो एक्टर तो चला गया छोड़ के, उससे हो नहीं रहा था तो इसलिए वो चला गया, तो तुम ही कर लो। तो वो भी कई जगह ऐसे फंस जाते थे कि नहीं ये तुम ही कर सकते हो, दूसरा कोई कर नहीं सकता। ऐसी स्थितियां बनी है बहुत सारे नाटकों में। जब डूबेंगे तभी जाके आपको मोती मिलेगी, अब डूबना नहीं, डूबोगे ही नहीं और कहोगे कि ऊपर से सब चीज मिल जाएगा, मोती मिलाएगा, नहीं मिलेगा। वो तो इतना हो जाता है, पैशन हो जाता है ना उस चीज का। हम जब किसी भी एक्टिंग दूसरे स्टाइल में भी करते हैं तो पैशन होता है, तभी वो सामने निकल के आती है। इसमें भी ये विधा है, वो विधा में जब हम पूरा उस पैशन के साथ डूबेंगे तभी जाके उसको हाँ इंजॉय कर सकते हैं, तभी उस कैरेक्टर को जी सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं जी सकते। बहुत सारे हमारे जो हमारे समय के एनएसडी पास आउट भी रहे हैं, निकलने के बाद भी उन्होंने मैंने बोला कि आप लोग नाटक करिए, मैं नाटक कर रहा हूँ, तो कई बार जो है वो बोले कि हाँ मैं करेंगे करेंगे, लेकिन एक दो बार आए फिर उनसे नहीं हो पाए। कि ऐसी स्थितियां बनती है, कितना आप ट्रेनिंग कर लो लेकिन आपका जील नहीं होगा, आपको पैसा नहीं होगा उसकी, मुझे ये करना है, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो सर एक दो एनएसडी वाले को ही मतलब ट्रेन किया, फिर उनको उनको भी ट्रेन करना पड़ता है। जब मैं स्टाइल में जब जाते हैं तो उनको ट्रेन करना पड़ता है। जैसे अभी मैं मॉस्को में ब्रिक फेस्टिवल में गया था, मैंने गया था, एनएसडी के ही लोग थे। हाँ फेस्टिवल ब्रिक फेस्टिवल होता है, तो हेमा जी ने मुझे दिया था कि तुम उसको कोरियोग्राफ करो, मूवमेंट करवाओ इनसे, ये लोग फेलो हैं यहाँ के, हम जो नाटक जाना था वहाँ। तो उस नाटक को करीब 40-45 मिनट का नौकर सत्तान क्या है वो वाला नाटक है ना, हैरान नौकर सैतान वाला नाटक, तो उसको एडिट करके और फिर ब्रिक फेस्टिवल में ले गए, उसमें मूवमेंट डाल के सारा कुछ, सारे एक्टर को ट्रेन करना पड़ा 10 दिन तक उनको मूवमेंट, तब भी वो जाके वहाँ 10 दिन में कुछ नहीं होता, इतना फंबल मारा। वो तो आने के बाद वे बता रहे थे कि ये प्रॉब्लम हुआ। इस तरह से एक नाटक उनके एक और कोरियोग्राफी किया था जो कारण जी का एक नाटक था, चाइना में शो हुआ था, वो बीबी कारण जी का नाटक था, रिवाइव किया था, पहले रियलिस्टिक में था, टाइम के साथ वो चाइना जा रहा था, फिर मुझे वो अब्दुल लतीफ जी ने बुलाया था कोरियोग्राफी के लिए कि ये दादा का नाटक है, मतलब कारण जी का नाटक, चाइना जाना है, इसको आप कोरियोग्राफ करिए। फिर उसको मैंने कोरियोग्राफ मूवमेंट डाला और वहाँ एक्टर भी गोल्ड मेडलिस्ट, उसको फर्स्ट प्राइज मिला और क्या बात जीत रहा वहाँ। तो मतलब फिजिकल नाटक तो जो भी है वैसे गेम गेम गिमिक है ना, प्ले जिसको बोलते हैं, हाँ गेम खेलते हैं, गेम करते हैं, प्ले करते हैं, तो फिजिकल नाटक में ही प्ले गेम कर सकते हैं, जो खिलाड़ी की तरह हम खेल खेलते हैं तो वो नाटक एक खेल है, वो उस तरह से खेलते हैं कि ये फिजिकल खेल है। हाँ जैसे खेलों का अलग अलग स्टाइल है, अलग अलग तरीका है गेम है, उसी तरह नाटक भी है, संस्कृत नाटक भी एक फिजिकल गेम, जितना फिजिकली खेल सकते हो। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारी जानकारियां दी, बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर करी, और आपसे बात करते हुए समय का पता ही नहीं चला और हम साक्षात्कार के अंतिम चरण में पहुंच चुके। सर संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन के उच्च अधिकारियों के प्रोत्साहन से श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी निदेशक भारतेंदु नाट्य अकादमी की इस पहल यानी रंग समागम 2020 के संबंध में हम आपके विचार जानना चाहेंगे। नहीं ये तो विचार अच्छा है, लॉकडाउन में ये सब सबको, हमें रंग समागम के कई लोगों को सुना है, आगे भी पीछे जो पीछे होता है सुना है, अच्छा है कि लोग एक दो जो डीएनए के साथ काम किया, इतने सालों का एक्सपीरियंस डीएनए के साथ, मेरा एक्सपीरियंस 2002 से मैं डीएनए में जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए, बीच बीच में
2002-2004 के बाद लगातार, करीब तक 2007 के बाद लगातार मैं बीएनए में गया हूँ पढ़ाने के लिए, और हर मुझे बुलाते हैं और मैं नाटक वहाँ सीन डिजाइन करता हूँ। हाँ, तो वो एक्सपीरियंस बीएनए के साथ तो रहा ही है। हाँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। और एक दूसरे का इस तरह से समझने का मौका नहीं किसी को था कि एक आम ऑडियंस भी जाने एक दूसरे को, कलाकारों को। ये लॉकडाउन में ये सब तो सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो डायरेक्टर हो, जो भी जो बोलने आ रहे हैं वेबिनार में रंग संगम समागम के अंदर, तो उनको भी जानने का मौका मिला। हाँ, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन उनके इंटरनल, उनका लाइफ स्केच क्या रहा, इस तरह से बोलते हैं उन्हीं के साथ, उन्हीं का एक्सपीरियंस कभी इस तरह से जानने को नहीं मिला। बायोडाटा पढ़ना अलग बात है, परफॉर्मेंस करना अलग बात है, और उनके साथ जो एक्सपीरियंस, उनका जो एक्सपीरियंस रहा, वो जब हम के उन्हीं की जुबानी सुनते हैं तो बहुत मजा आता है। मैंने रंग समागम में भी बहुत, और जो वेबिनार हो रहे हैं उनसे भी मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। हाँ, अच्छा लग रहा है इस तरह के कि जो वेबिनार हो रहे हैं, कि हम संवाद एक दूसरे को करीब तो आ गए हैं, एक करीब आने का, एक दूसरे को जानने का मौका मिल रहा है। हाँ, कि डीपली जी सर, उनके द्वारा, तो ये बहुत अच्छा है वेबिनार, ये अच्छा रहा देने के साथ। ये रंग समागम का जो है, मैं भी सोच भी रहा था कि मुझे बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, कौन बुलाएगा, कौन ऐसा आएगा है जो मुझे पता नहीं, कोई याद करेगा कि नहीं करेगा, इतने सालों का एक्सपीरियंस बीएमए के साथ रहा, कि सर कौन कैसे भूल करेगा। सकते हैं आपको, और आपकी विशेष शैली जो है वो सबके ऊपर एक अलग ही छाप छोड़ती है। जब भी कोई एकेडमी में इस तरह की शैली में नाटक होता है तो सभी अलग से ही सराहते हैं इसको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत कम समय में बहुत सारी बातें हमारे साथ बांटी, बहुत अच्छे से बताया, हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला। भारतेंदु नाट्य अकादमी परिवार की ओर से हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हाँ, तुम लोग को भी धन्यवाद, बीएनए को भी धन्यवाद, रंग समागम को भी, आशुतोष को भी। हाँ, तुम लोगों तो मेरे स्टूडेंट हो, तो और अच्छा जी लगा कि मेरा स्टूडेंट मुझसे ही बात कर रहा है इतना, तो और जी अच्छा लग रहा है कि चलो हमारा सौभाग्य। गुरु जी शिष्य के परंपरा जारी है, जी समझते हैं, जी दूसरे जानते हैं। थैंक जी थैंक यू, तुम लोग को भी थैंक यू यू, सर। धन्यवाद। रमेश जी को भी धन्यवाद कि हमें याद किया, सबसे बड़ी बात है। थैंक यू।